हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। अगर आपको समय मिला है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। जो जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उसको याद रखना, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है। ओके भैया, तो चलिए जी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो चेत कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, याद कर तू कहां था और किस पाप में गिरा है। परमेश्वर साफ कह रहा है अपनी पुस्तक में, याद कर तू कहां से गिरा है, अपना मन फिरा ले, अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ। अगर अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास से आकर उस दीवट को हटा देगा उस स्थान से। जरा सोचो, अगर अचानक किसी दिन आपकी मृत्यु हो गई तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में जाना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक दिन दिखाता है कि मेरे बेटे बेटियां अपने पापों से मन फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब विश्वास पाके उद्धार पाएं और स्वर्ग जाए और अनंत काल का जीवन पाएं। क्योंकि वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। अगर आप अभी भी पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रख रहे हो, बना रहे हो, तो छोड़ दो और बंद कर दो, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है और समय कम है और दिन बुरे हैं। क्योंकि पाप करके व्यभिचार करके अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो भैया, थोड़ा समझा और अनंत काल की सजा दी जाएगी। जरा सोचो, अगर यीशु आज आ जाए और आप इसी तरह पाप कर रहे हो तो यीशु आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। बस एक ही बार चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी। वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे वे लोग चिंताओं से मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मसीहियों का उठा लिया जाना या क्षण भर में पलक मारते ही होगा, ये एक भी सेकंड नहीं लगेगा। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे कुछ न कुछ पाप करके यहाँ रह जाएंगे, उनके ऊपर दुनिया भर की आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी, जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। जब परमेश्वर अपने चौथे स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि जा अपना चौथा कटोरा सूर्य पर उंडेल दे, ताकि जो मनुष्य यहाँ गलती से रह गए हैं उनको मेरे क्रोध का पता तो चले। जरा सोचो मेरे भाइयों, जब परमेश्वर सूरज को एक आग का गोला बनाकर रख देगा, इतनी हार्ड तपर रोशनी फेंकेगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा ही सुलझ उनकी मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा ही झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी। बहुत तड़पाया जाएगा और मौत मांगोगे और मौत भी नहीं आएगी, बहुत बुरा हाल होगा। नाटकबाजी बंद करें और सीधा लाइन पर आ जाइए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों। मजाक मस्ती अपनी जगह है, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। 7 मोहरे खोली जाएंगी, 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे उस 7 वर्ष में। उस 7 वर्ष में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। इसलिए अभी समय है, लौट आओ यीशु के पास। परमेश्वर आपको माफ कर दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है भैया। जब आप खुद पाप करके उस नर्क में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे, शैतान कहने है तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया हो, तो उस नर्क में जाएगा भैया। क्यों आप उसके पीछे पाप करके नर्क में जाना चाहते हो? वहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नर्क का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए।
थी मैथ्यू 4:3-4 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जब अंत का समय आएगा तो ऐसा होगा कि लोग खरी बातें ना सह सकेंगे। जब किसी को स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता है तो कहेंगे, ब्रदर हमें ऐसा मत बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे चंगाई मिले, नौकरी मिले। सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। इसे वचन कहता है सत्य को सुनना ना चाहेंगे, सत्य से अपने कान फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। कोई सत्य को सुनना ना चाहेगा, अपने कान व्यर्थ बातों की ओर लगाएंगे। देखिए मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पाप से बहुत ही नफरत करता है, परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, मगर पाप से वह हजारों किलोमीटर दूर रहता है। आशा करता हूँ छोटा संदेश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।